Hello learners, I am Phronika ma'am. Today I am going to discuss class 12th Indian Economy book. इसका हम second chapter पढ़ रहे थे class, और इसका ये last topic बचा है इस chapter का, effect of policies on industrial development. Class मैंने आपको last class में भी please request किया था, अगर आपको कोई मेरा topic समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर करा करिए. अगर आपकी कोई क्वेरी होगी या कोई सजेशन होगा तो मैं उसे ज़रूर फॉलो करूँगी. तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं क्लास. इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज़ ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि जो पॉलिसीज़ जो चलाई गई थी, जैसे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी, ट्रेड पॉलिसीज़ जो थी, या जो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंसेप्ट लाया 1950 से 1990 के टाइम पे, जो सरकार ने जो पॉलिसीज चलाई थी उससे आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ा, इंडस्ट्रीज़ पर क्या असर पड़ा. बेसिकली ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि सरकार ने अपना काम कैसे किया. अगर आप इस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा हमारे देश के साथ क्या हुआ कि हमें, हमारी सरकार को अपने देश को ग्लोबलाइज्ड करना पड़ा. क्या कारण हुए, क्या सरकार ने अपना काम अच्छे से नहीं किया था, और अगर उन्होंने वो काम किया भी था तो उसमें क्या कमियां थी, क्या लूप होल्स थे, तो वो इसके एंड पार्ट में अब आप पढ़ेंगे. तो दे रखा है द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान आर इम्प्रेसिव इंडीड. जो हमारी इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर है, शुरुआत के जो फर्स्ट 7 प्लान है उसमें हमारे देश ने इंडस्ट्री सेक्टर में कुछ अच्छी तरक्की करी थी. द प्रपोर्शन ऑफ GDP कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम 11.8% इन 1950-51 टू 24.6% इन 1991. हमारे देश का जो इंडस्ट्री सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो हमारे देश में जब जस्ट हमारा देश आज़ाद हुआ था वो सिर्फ 11% था, तो बढ़कर 1990-91 के टाइम पर ये बढ़कर 25% के अराउंड हो गया था. तो इससे पता चलता है कि हमारे देश ने इंडस्ट्री सेक्टर में कुछ अच्छा किया था. ठीक है, तो आगे देखते हैं. द राइज इन द इंडस्ट्री शेयर ऑफ GDP इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट. इससे पता चलता है कि हमारे देश ने खेती बाड़ी के साथ साथ इंडस्ट्री सेक्टर में भी थोड़ी बहुत तरक्की करी थी. द 6% ऑफ एनुअल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड इज कमेंडेबल. मतलब इस समय जो हमारे देश ने जो इंडस्ट्री सेक्टर में तरक्की करी वो सराहनीय है, मतलब हम कमेंडेबल है, मतलब हम उसकी तारीफ कर सकते हैं कि हाँ कुछ अच्छा किया. 1950 से 1990 के टाइम की बात कर रही हूँ मैं ये. क्लियर है क्लास? यस. आगे देखते हैं. नो लॉन्गर वॉज इंडियन इंडस्ट्री रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट. हमारे देश में पहले जो था, जैसे ही हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था या जब देश जस्ट आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश में सिर्फ दो तरह की इंडस्ट्रीज थी, कॉटन टेक्सटाइल और जूट. इनफैक्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990 तक. हमारा देश 1990 तक बहुत सारे गुड्स और बनाने लग गया था. गुड्स जब ही बनाएगा ना, जब हमारे देश में कॉटन टेक्सटाइल और जूट के अलावा भी इंडस्ट्रीज आई थी, तो 1990 तक आपके देश में इन दोनों इंडस्ट्रीज के अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई थी जो अलग अलग तरह के गुड्स बनाती थी. दिस इज लार्जली, देखिए लिखा भी है, बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990 लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर.
द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गेव अपॉर्चुनिटीज टू दोज पीपल हु डिड नॉट हैव द कैपिटल टू स्टार्ट लार्ज फर्म टू गेट इन टू बिजनेस. तो क्या मतलब हुआ कि हमारे देश में आपको ये पता है कि 1990 तक कॉटन टेक्सटाइल और जूट के अलावा भी और भी इंडस्ट्रीज आ गई थी जो गुड्स बनाती थी. ये सिर्फ किसके कारण हो पाया था? हमारे देश की सरकार के कारण हो पाया था, पब्लिक सेक्टर के कारण हो पाया था. द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गेव अपॉर्चुनिटीज. हमारे देश में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिससे उन लोगों को फायदा हुआ था जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक बड़ी इंडस्ट्री लगा सके. सरकार ने किन इंडस्ट्रीज की सबसे ज्यादा मदद करी? उन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज की मदद करी जिनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो एक कॉटन टेक्सटाइल या जूट इंडस्ट्री की तरह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगा सके. अभी आपने कुछ, मैंने कल जो परसों वीडियो डाला है उसमें मैंने आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी कंसेप्ट पढ़ाया था. Protection from foreign competition enabled the development of indigenous industries in the areas of electronic and automobile sector which otherwise could not have developed. Even हमारा देश, आपको पता है हमारे देश में inward looking strategy थी, inward oriented strategy, जिसे आप import substitution strategy भी कहते हैं. उसमें सरकार ने क्या करा था, हमारे देश में टैरिफ लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था, जिससे हमारा देश क्या करे, पहले अपने आप को डेवलप करे, फिर अगर हमारा देश कुछ तरक्की करेगा तो हम फॉरेन कंपटीशन कर पाएंगे. तो उससे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश ने भी कुछ अच्छी इंडस्ट्रीज बनाई थी. फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जो पहले हमारे देश में नहीं थी वो भी इस समय पर आ गई थी. कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. In spite of the contribution made by the public sector to the growth of Indian economy, some economists are critical of the performance of many public enterprises. In sab yogdan ke bawajood, ye sab public sector ke karne ke bawajood bhi, aapke desh mein unka bahut bada yogdan raha hai 1950 se 90 ke time pe, ki unke karan hamare desh mein thoda bahut sudhar aaya tha, lekin kuch economists unki is performance se bhi खुश नहीं थे. क्रिटिकल माने उसमें भी उन्होंने बहुत सारे लूपहोल्स बताए कि पब्लिक सेक्टर ने ऐसे लोगों पे लाइसेंस लगाया, बड़े बड़े बिजनेस फर्म को बोला कि जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा आप कोई इंडस्ट्री नहीं खोल सकते, अगर आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो आपको बैकवर्ड रीजन में खोलनी पड़ेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी. तो उन्होंने उनके बहुत सारे लूपहोल्स भी बताए हैं, कमियाँ भी बताई हैं. इट वॉज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर that initially public sector was required in a big way. देखिए इस चैप्टर की शुरुआत में ही बता दिया गया था कि शुरुआत में initially public sector was required in a big way. बहुत अच्छे से हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी सरकार के सेक्टर की, government sector की. It is now widely held that state enterprises continue to produce certain goods and services, often monopolizing them, although this was no longer required. क्या मतलब हुआ? इसमें ये बता रखा है कि सरकार ने हर चीज में अपना आगा ले लिया, हर चीज में गवर्नमेंट सेक्टर आगे आ रखी थी और उसने हर वो चीज बनाई जिसमें उसकी जरूरत भी नहीं थी. मतलब कुछ काम वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे सकती थी, प्राइवेट सेक्टर को भी बोल सकती थी कि आप ये इंडस्ट्री खोल लो, आप ये काम चला लो, नहीं, लेकिन उन्होंने खुद ही वो सारा होल्ड अपने पास ले रखा था जिसकी उन्हें इतनी जरूरत भी नहीं थी. देखिए इसी में एक एग्जाम्पल दे रखा है. एन एग्जाम्पल इज द प्रोविजन ऑफ टेली कम्युनिकेशन सर्विस. जैसे टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है ना, वो सारा होल्ड पहले किसके हाथ में था? गवर्नमेंट के सेक्टर के हाथों में था. दिस इंडस्ट्री कंटिन्यू टू बी रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर इवन आफ्टर इट वॉज रियलाइज दैट प्राइवेट सेक्टर फर्म्स कुड ऑल्सो प्रोवाइड इट. आज के टाइम में आपने देखा होगा मोबाइल सेक्टर जो है टोटली प्राइवेटाइज्ड है,
तो पहले भी सर, पहले ये टोटली किसके हाथ में था? गवर्नमेंट के हाथों में था। अगर गवर्नमेंट चाहती तो इसे सही टाइम पर प्राइवेट सेक्टर को दे सकती थी और प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर उस समय बहुत अच्छे से काम कर सकता था। लेकिन 1950 और 90 के टाइम में ये पूरा होल्ड किसके हाथ में था? कम्युनिकेशन सेक्टर किसके हाथों में था? टोटली पब्लिक सेक्टर के हाथों में था, ये लिखा गया है इसमें। ओके, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द कॉम्पिटिशन इवन टिल द लेट 1981 हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गेट अ कैटेलोफिन कनेक्शन। देखिए 1950 से 1990 के टाइम पे जो भी रोल था, जो भी मेन काम था, वो सरकार के हाथों में था, पब्लिक सेक्टर के हाथों में था। जब कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, क्योंकि आपको पता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटजी थी, इंडिया पहले खुद अपने आप को डेवलप कर रखी थी, इम्पोर्ट लाना, इम्पोर्ट पर बहुत ज़्यादा टैक्स था, टैरिफ लगा हुआ था, कोटा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। टिल 1980 तक हमें एक लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था एक टेलीफोन के कनेक्शन लगवाने के लिए। तो जब ये पूरा टेलीफोन सेक्टर किसके हाथों में था? सरकार के हाथों में था। लेकिन आफ्टर ग्लोबलाइजेशन या आफ्टर 1991 हमारा देश ग्लोबलाइज्ड हो गया, अब ये टोटली सेक्टर किसके हाथ में है? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। तो अब हमें कोई लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता, अब तो हम डायरेक्ट कॉल करते हैं, मोबाइल हमारे घर में भी आ जाते हैं। Another instance could be the establishment of modern bread, a bread manufacturing firm, as if the private sector could not manufacture bread. देखिए क्या लिखा गया है इसमें, मैं अगेन आपको पढ़ देती हूँ। Another instance माने एक और example दे रखा है, could be the establishment of modern bread। आज जो हम रोटी नहीं खाते, आज के टाइम में जो आपको ब्रेड मिलती है खाने को, बट रोटी जो आप कहते हैं ब्रेड, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, अब ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म एज इफ द प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट मैन्युफैक्चर ब्रेड। जब के टाइम में 1950 से 1990 के टाइम पे जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं था ब्रेड को मैन्युफैक्चर करना, In 2001, this firm was sold to the private sector. पहले ये पब्लिक सेक्टर के हाथों में था, बाद में 2001 में इसको कहाँ बेच दिया गया था? इसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया था। 2001 के बाद ये सेक्टर किसके हाथों में आया है? जो ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में आया है। उससे पहले ये जो ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग का काम था ये गवर्नमेंट के हाथों में था, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ये नहीं था। क्लियर है? एक्चुअली क्लास आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं सब आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है कि पेपर एनसीईआरटी में से आना है, एवरी लाइन, एवरी सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई मैं आपको एक एक लाइन को बड़ा इलाबरेट करके बता रही हूँ कि उस लाइन में क्या लिखा गया है। द पॉइंट इज दैट आफ्टर 4 decades ऑफ प्लान डिवेलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नो डिस्टिंक्शन वॉज मेड बिटवीन। ये कहा गया है कि इस पॉइंट से ये पता चलता है कि हमारे प्लान डिवेलपमेंट, प्लान मतलब 7 5-year plan या 5 5-year plan, आज का तो 13 5-year plan है, तो उसमें अब कोई मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया। नो डिस्टिंक्शन वॉज मेड बिटवीन कि वट पब्लिक सेक्टर अलोन कैन डू, कि अकेला पब्लिक सेक्टर क्या कर सकता है, एंड वट द प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो डू, कि प्राइवेट सेक्टर भी अकेला क्या कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इवन नाउ ओनली द पब्लिक सेक्टर सप्लाईज नेशनल डिफेंस। और आजकल आपको पता होगा कि सिर्फ आज जो अभी है पब्लिक सेक्टर के हाथों में एक ऐसा इकलौता सेक्टर है जिसमें अभी भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, दैट इज डिफेंस सेक्टर। एंड इवन दो द प्राइवेट सेक्टर कैन मैनेज होटल वेल, येट द गवर्नमेंट ऑल्सो रन होटल। और आपको ये भी पता है कि होटल्स जो है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, उन्हें प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से कर सकती है, होल्ड कर सकती है, काम करवा सकती है या नौकरियां दे सकती हैं लोगों को। लेकिन आज भी बहुत से होटल्स ऐसे हैं जिन्हें सरकार भी चलाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम होटल इंडस्ट्री को पूरा प्राइवेटाइज कर देंगे तो वो बड़ी आसानी से प्राइवेटाइज हो सकता है।
This has led some scholars to argue that the state should get out of areas which the private sector can manage and government may concentrate its resources on important services which the private sector cannot provide. कुछ economists ने ये, कुछ scholars ने ये argument करा है कि क्या सरकार अपने आप को आजाद ना कर दे, सरकार को सिर्फ उसी चीजों में हाथ डालना चाहिए जिसे प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर अगर लोगों को वो सुविधा नहीं दे सकता तो सरकार को उसमें आके लोगों की मदद करनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए और गरीबी को दूर करवाना चाहिए। सरकार को उसमें जाना ही नहीं चाहिए, उस सेक्टर में एंटर करना ही नहीं चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। अगर कोई काम प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता तो सरकार को उस इंडस्ट्री के अंदर आ जाना चाहिए और उसमें लोगों की मदद करनी चाहिए। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। मैनी पब्लिक सेक्टर फर्म्स इंकर्ड ह्यूज लॉसेस। कुछ पब्लिक सेक्टर सरकारी फर्मों ने बहुत नुकसान झेला था 1950 और 90 के टाइम पर, बट कंटिन्यू टू फंक्शन। लेकिन जब भी वो काम करती रह गई थी, जब भी वो काम करती थी, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लोज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक गवर्नमेंट फर्म को बंद करना। 1950 से 90 के टाइम पे ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर फर्म को नुकसान नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उनके कारण उन्हें चाहा था तो बंद भी कराया जा सकता था, लेकिन उन्हें बंद करना आसान नहीं होता क्योंकि इससे काफ़ी लोगों की नौकरियां या रोजगार छिन जाता है। इवन इफ इट इज़ अ ड्रेन ऑन नेशनल लिमिटेड रिसोर्सेज, इससे चाहे आपके देश के रिसोर्सेज का नुकसान भी हो रहा हो, लेकिन जब भी हम पब्लिक सेक्टर को बंद नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है, दिस डज नॉट मीन दैट द प्राइवेट सेक्टर्स आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से ही प्रॉफिट होता है या सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही प्रॉफिट करती है। नहीं, किसी भी फर्म को लॉस हो सकता है, पब्लिक सेक्टर फर्म हो या गवर्नमेंट सेक्टर फर्म हो, किसी भी फर्म को लॉस हो सकता है। और पहले के टाइम में देखिए लिखा भी है, इंडीड क्वाइट अ फ्यू ऑफ द पब्लिक सेक्टर फर्म्स, इनमें से जो कुछ प्राइवेट सेक्टर का हमने नाम लिखा है ना, इनमें से में ओरिजिनली में वो क्या थी, प्राइवेट सेक्टर फर्म थी। उन्होंने भी लॉस झेला था, लेकिन बाद में उन्हें क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, गवर्नमेंट के अंडर ला दिया गया, जिससे वहां के लोगों की नौकरियों पर उन्हें असर ना पड़े और उनकी नौकरियां उनके हाथों से ना जाए। तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को ही लॉस होता है या सिर्फ पब्लिक सेक्टर को ही लॉस होता है, नहीं, बोथ को भी लॉस हो सकता है। The need to obtain a license to start an industry was misused by the industrial households. मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री खोलनी है तो उससे पहले, सबसे पहले सरकार क्या कहती थी, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इसका भी बहुत से जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस थे उन्होंने इसका फ़ायदा लिया, मिसयूज करा। कई बार ये पता है क्या करते थे, बिग इंडस्ट्रीज वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कंपिटिटर फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू फर्म्स। कुछ इंडस्ट्रीज पता है क्या करती थी, कुछ नई फर्म्स को आने ही नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल होता था। वो चाहती थी कि सिर्फ हमारा ही होल्ड हो, हम ही राजा बने रहे, हम ही बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स बने रहे, हमारे पास ही लाइसेंस है, इन्हें यूं ही बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो छोटी फर्म्स अपने लिए लाइसेंस ही नहीं अरेंज कर पाती थी। द एक्सेसिव regulation of what came to be called the permit license raj prevented certain firms from becoming more efficient। और पता है इसमें एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी हुआ था कि जो भी फर्म या कोई भी प्राइवेट सेक्टर फर्म अगर लाइसेंस ले भी लेती थी तो उनका वर्क इतना एफिशिएंट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं होता था। आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि फॉरेन कॉम्पिटिटर जो होते थे बाहर की, अगर कोई इंडस्ट्री इंडिया में तो आ नहीं सकती थी, बिजनेस तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि इंडिया ने टैरिफ लगा रखा था, कोटास लगा रखे थे, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। तो वो क्या करते थे, जितनी भी बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म थी, जैसा उन्हें आता था वो वैसे प्रोडक्ट बनाते थे, जनरल पब्लिक को वो सामान खरीदना पड़ता था, चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो, आपको वही सामान खरीदना पड़ता था। और जो फर्म होती थी उनका सारा समय लाइसेंस लेने में ही लगा रहता था, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें यह पता था
कि वो बाहर से तो कोई सामान खरीद ही नहीं सकते, चाहे महंगा हो या सस्ता हो, उन्हें लोगों को ये सामान हमसे ही खरीदना पड़ेगा, इसलिए वो क्वालिटी पर ध्यान ही नहीं देते थे। तो यही बात लिखी है, मोर टाइम वॉज स्पेंड बाय इंडस्ट्रीज इन ट्राइंग टू ऑब्टेन अ लाइसेंस। ज्यादा से ज्यादा समय तो उनका किसमें खर्च हो जाता था, लाइसेंस लेने में हो जाता था, रेदर देन ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स। बल्कि उनके पास ये थिंक सोचने तक का टाइम नहीं होता था कि कैसे हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाएं, कैसे हम लोगों की जरूरतों के अकॉर्डिंग सामान बनाएं। नहीं, बस सामान बना देते थे, वो कॉम्पिटिशन था ही नहीं, और बाहर से आप कोई सामान ले नहीं सकते थे, आपको जो खरीदना था इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदने थे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आप जो चीज खरीद रहे हो वो अच्छी क्वालिटी की है भी या नहीं है। क्लियर हुआ क्लास? द प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरन कंपिटिशन इज ऑल्सो बींग क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड दैट इट कंटिन्यूड इवन आफ्टर इट प्रूव टू बी मोर हार्म देन गुड। और सबको ये पता था, बहुत से लोगों ने इसका क्रिटिसाइज भी करा, बहुत कहा कि जो हम जो चीजें बना रहे हैं, हम जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी जो फॉलो कर रहे हैं कि पहले हम अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने देश को डेवलप करेंगे, अपनी चीजें बनाएंगे, अपना राज करेंगे, कोई कंपटीशन नहीं होगा, अगर कोई आएगा तो हम उस पर बहुत टैरिफ लगाएंगे, कोटास लगाएंगे, वो खुद ही नहीं आएंगे हमारी कंट्री में। तो इससे क्या हुआ था, जो हमारे देश में सामान बन रहा था वो क्या अच्छा बन रहा था? नहीं, उससे हमारे देश का नुकसान हो रहा था, कोई फायदा नहीं हो रहा था। Due to restriction on imports, the Indian consumer had to purchase whatever the Indian producer produced. India के consumers को वो ही सामान खरीदना पड़ रहा था जो यहाँ के producers बना रहे थे, क्योंकि बाहर के products तो India में आ ही नहीं सकते थे, तो आप कैसे खरीदोगे? The producers were aware that they have a captive market. और जो producers थे, जो चीज को बना रहे हैं, उन्हें पता था कि उनके पास इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? Foreign products तो मार्केट में है ही नहीं, उन्हें हमारे ही प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। So they had no incentive to improve the quality of their good. उनके पास कोई फायदा नहीं था कि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करे, लोगों के लिए सोचे, लोगों के लिए, लोगों के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाए। नहीं, why should they think of improving quality when they could sell low quality items at a high price? यही बात मैंने बताई ना, वो क्यों सोचेंगे, क्यों अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे जब उन्हें पता है कि बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट भी हमें अच्छे पैसों में हमारा बिक रहा है। हमें तो पैसों से मतलब है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं, कोई फॉरेन मार्केट नहीं, कोई फॉरेन के लोग नहीं जो अपना सामान आके इंडिया में बेचेंगे, तो हमें पता चलेगा ना हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। अगर अच्छा होगा तो उसका मुकाबला करेगा, नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं। लोग फिर फॉरेन प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ना, इंडियन प्रोडक्ट्स क्यों खरीदेंगे? कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट फोर्सेस आवर प्रोड्यूसर टू बी मोर एफिशिएंट। अगर हमारे देश में कंपटीशन होता, फॉरेन कंपटीशन होता, जो बाहर की इंडस्ट्रीज आती हैं या बाहर की फर्म्स आती, तो हमारे देश को पता चलता, हमारे देश के प्रोड्यूसर्स को पता चलता कि हम जो चीज बना रहे हैं वो कितनी एफिशिएंट है या कितनी अच्छी है। अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, अ फ्यू इकोनॉमिस्ट आल्सो पॉइंट आउट दैट द पब्लिक सेक्टर इज नॉट मीन फॉर अर्निंग प्रॉफिट बट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द नेशन। इस पूरे पैराग्राफ में जिस्ट में ये बताया गया है कि जो सरकार ने 1950 और 90 के बीच में जो जो पॉलिसीज लाई या जो जो काम किए, जो जो उन्होंने प्लानिंग के जो तरीके निकाले, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी, उनका मेन मोटिव क्या था कि वो देश के वेलफेयर के बारे में सोच रही थी, देश की भलाई के बारे में सोच रही थी, उन्हें प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं था। और आपको ऑलरेडी पता है कि गवर्नमेंट का मेन रोल क्या होता है, वेलफेयर, उनको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो यही बात इसमें लिखी है पैराग्राफ में, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। इसके आगे यहां से हम पढ़ेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है।
Regarding protection, some economists hold that we should protect our producers from foreign competition as well as the rich nations continue to do so. हमारे देश का main motive यही था कि हमें अपने देश के इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाना है, पहले हमें खुद डेवलप्ड होना है, जब हम इतने डेवलप हो जाएं, इतने संपन्न हो जाएं, फिर हम अपने देश को ऐसे खोलेंगे, फिर हम चाहेंगे कि फॉरेन इंडस्ट्रीज आए, हम उनके साथ कंपटीशन करें. लेकिन 1950 से 90 के बीच में हमारे देश में इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी थी, जिसमें हमारे देश में टैरिफ कोटा लगा दिया गया था, जिससे कोई भी फॉरेन इंडस्ट्री इंडिया में आके आसानी से बिजनेस नहीं कर सकती. Owing to all this conflict, economists called for a change in our policy. इसी को देखते हुए, इन लड़ाइयों को देखते हुए, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि अब हमें अपनी पॉलिसीज में सुधार लाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा. This along with other problems led the government to introduce a new economic policy in 1991. इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि सरकार तो सिर्फ वेलफेयर का काम कर रही है, हमारे देश पे इतना कर्ज हो गया, हमारा देश क्या हाल हुए होंगे, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, क्यों हमारे देश को ग्लोबलाइज करना पड़ा, क्यों हमारे देश को 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी, ऐसा क्या हुआ आपके देश के साथ. तो देखिए कंक्लूजन दे रखा है, द प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान वॉज इम्प्रेसिव इंडीड. हाँ, अगर जस्ट हमारा देश आजाद हुआ था, अगर हम उसके बाद बात करें, तो फर्स्ट 7 प्लान में हमारे देश की जो प्रोग्रेस थी, हाँ, अच्छी थी, ठीक ठाक थी, क्योंकि जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे तो हमारा देश बिल्कुल स्टेगनेंट था, बैकवर्ड था, कुछ भी नहीं था, जब हमारे देश की हालत बहुत बुरी थी. लेकिन 1950 से 1990 के टाइम पर हमारे देश ने कुछ सुधार किया था, जो एक रिमार्केबल भी है, अच्छा भी है. आवर इंडस्ट्रीज बिकेम फार मोर डाइवर्सिफाइज कंपेयर टू द सिचुएशन एट इंडिपेंडेंस. जब हमारा देश जस्ट आजाद हुआ था तो हमारे देश में सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल या जूट इंडस्ट्रीज थी. लेकिन 1950 के टाइम पे, 1990s के टाइम पे हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज आ गई थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आई थी, इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई थी. हमने अलग अलग तरह के गुड्स बना लिए थे, हम अपने आप को सेल्फ कुछ बनाने लग गए थे, गुड्स बनाने लग गए थे. इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन. हम अब अमेरिका पे इंपोर्ट नहीं, खाने के लिए हमें अमेरिका से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था, हम खाने में सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, और वो हमारे देश में 1960 में हरित क्रांति जब आई थी उसके कारण हुआ था. लैंड रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन अबोलिशन ऑफ द हेटेड जमींदारी सिस्टम. लैंड रिफॉर्म आने से हमारे देश में किसका बहिष्कार हुआ था, किसका अबोलिशन हुआ था, जमींदारी सिस्टम को हटाया गया था. ये भी 1950 से 90 के टाइम में हुआ था. However, many economists became dissatisfied with the performance of the many public sector enterprises. लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे economists जो थे वो सरकार के public sector की performance से खुश नहीं थे. Excessive government regulation prevented growth of entrepreneurship. बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का रोल था हमारे देश में, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को लॉस हुआ था, नुकसान झेलना पड़ता था, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी. क्यों? क्योंकि हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट सेक्टर ने लाइसेंस की परमिशन डाल दी थी कि अगर आपको कोई भी छोटी मोटी इंडस्ट्री भी चलानी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. इन द नेम ऑफ द सेल्फ रिलायंस our producers were protected against foreign competition and this did not give them incentive to prove the quality of the goods that they produce. ये मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश ने क्या था, हम गवर्नमेंट सेक्टर ने हमें फॉरेन कंपटीशन से बचाए रखने के लिए हमारे देश पे टैरिफ कोटास लगा दिए थे, जिससे कोई भी बाहर की फॉरेन फर्म्स इंडिया में आके अपना बिजनेस नहीं कर सकती थी. इस वजह से क्या होता था, जो हमारी इंडस्ट्रीज जो होती थी, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज होती थी, वो जो सामान बना रही होती थी उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी. अभी भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती हमारे प्रोडक्ट्स की, तो हमें पता ही नहीं चल पाता था जो हम बना रहे हैं वो कैसा प्रोडक्ट है. जब तक कॉम्पिटिशन नहीं होगा आपको कैसे पता चलेगा जो चीज आप बना रहे हो वो अच्छी है भी या नहीं है.
Our policies were inward oriented थी and so we failed to develop a strong export sector. इसी कारण हम fail हो गए थे, क्योंकि जब भी आप जो चीज़ आप इंडिया में बना रहे हो आप उसे export करोगे, बाहर बेचोगे, बाहर अगर वो चीज़ चली नहीं पाएगी, कोई लोग उसे खरीदेगा ही नहीं, तो इससे पता चल जाएगा ना आपको कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, जब भी तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चला। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा जब भी तो मार्केट खरीदेगी वहाँ की। So the need for reforms of economic policy was widely felt in the context of changing global economic scenario and the new economic policies was initiated in 1991. इसी को देखते हुए, इसी के कारण हमारे देश में नए reforms लाने की बहुत ज़रूरत थी, सुधार लाने की ज़रूरत थी, नई policies को लाने की ज़रूरत थी, इसलिए 1991 में हमारे देश में new policies लाई गई। उन new policies का नाम था LPG, liberalization, privatization and globalization. उसके आने से आपके देश में क्या हुआ, क्या उससे फायदा हुआ, क्या उससे आपको देश को नुकसान हुआ, और ऐसा क्या कारण हुआ कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपने देश में लाना पड़ा, वो हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एलपीजी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991। क्लियर हुआ क्लास? अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर लिखिएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। स्टे होम, स्टे सेफ।